जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भाजपा सरकार जो बनी है, उसके बनने के बाद से जुमले ही ज़्यादा बोले गए और जनता में निराशा ज़्यादा हुई, विकास के नाम पर जो होना चाहिए था नहीं हुआ। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पत्रकारिता विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल उपाध्याय सर। अनिल उपाध्याय सर शिक्षक होने के अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी वाराणसी में सक्रिय रहे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश कमेटी में सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के वाराणसी महानगर के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। मौका है विधानसभा चुनावों का, सारी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, तो इस संबंध में हम सर से जानना चाहेंगे कि वो इस चुनाव में क्या देखते हैं और कांग्रेस पार्टी से चूंकि जुड़ाव रहा है लंबे वक्त तक, तो उनका क्या मानना है? इस बार प्रियंका गांधी जी मेहनत कर रही हैं, तो उस पर उनसे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या रहेगी इस बार। सर, वाराणसी में इस बार 8 विधानसभा सीटें हैं, तो इसमें आप क्या मानते हैं सर इस बार? देखिए, ये चुनाव न केवल वाराणसी के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक तरीके से परिवर्तन का चुनाव है और इस वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सांसद हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वाराणसी के युवा बहुत उम्मीद रखते थे कि उन्हें सबको रोज़गार मिलेगा, उनकी बेकारी दूर होगी और ये एक आईटी हब बनेगा वाराणसी, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं खुलेंगी, रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 7-8 वर्षों में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भाजपा सरकार जो बनी है, उसके बनने के बाद से जुमले ही ज़्यादा बोले गए और जनता में निराशा ज़्यादा हुई, विकास के नाम पर जो होना चाहिए था नहीं हुआ। क्योंकि एक प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं लोग, केवल कुछ सड़कें बन जाने से या बाहरी सड़कें बन जाने से या एयरपोर्ट का रास्ता अच्छा बन जाना ही विकास नहीं होता है। हर आदमी एयरपोर्ट से चढ़ के हवाई जहाज़ से ही बाहर नहीं जाता है, या हवाई चप्पल पहनने वाला हर आदमी हवाई जहाज़ में नहीं जा रहा है। असली विकास ये है कि लोगों को रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, और मोदी जी ने सबको कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार हर साल दिया जाएगा। वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने वाराणसी को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, कॉरिडोर बनाया, तमाम विकास के कार्य किए, 2 करोड़ लोगों को नौकरियाँ दी, वो तो विकास का ही एजेंडा लेके चल रहे हैं। इस पर सर आपका क्या मन? मैं आप ही से पूछता हूँ, कौन सा 2 करोड़ रोज़गार दिया उन्होंने, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया? DLW जो माननीय संपूर्णानंद जी के समय का बना हुआ था, पंडित कमलापति पाठी और संपूर्णानंद जी, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोगों के सहयोग और योगदान से DLW बना था, डीजल लोकोमोटिव। वहाँ पर जिस जमाने में बना तब 8,000-8,500 लोग वहाँ नौकरी करते थे, आज वहाँ मुश्किल से 1,500 लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं। और DLW का नाम बदल के BLW बना दिया, बनारस लोकोमोटिव, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं किया, वो केवल उनके लिए अतिथिशाला बन गया और वहाँ के प्रधानमंत्री जी आराम करते हैं, वाराणसी भोजन करते हैं, और सड़कें जो बाहर से आती हैं वो केवल सड़कें ठीक हुई हैं। आज बनारस के शहर की सड़कें वैसी ही हैं, आज आप पुराने मोहल्लों में बनारस चले जाए, बनारस गलियों में चले जाइए, तो आज भी सड़कें बदबदा रही हैं, सीवर जाम है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है। केवल कुछ सड़कें या केवल विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर कुछ भवनों को तोड़कर, या जो वहाँ पहले से रोज़गार पाए हुए थे छोटे दुकानदार उनको उजाड़ कर, अगर केवल विश्वनाथ कॉरिडोर बनना ही विकास है तो मैं समझता हूँ ऐसा विकास एकांगी विकास होगा। मैं विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से मुझे कोई परहेज नहीं है, अच्छा है विश्वनाथ कॉरिडोर बने, लेकिन केवल काशी पर्यटन स्थल नहीं है, काशी आध्यात्मिक सिटी है, काशी ऐसा शहर है जहाँ लोग भारतीय संस्कृति, दर्शन और चिंतन को जानने आते हैं, यहाँ के कि यहाँ क्या मनीषा में वाराणसी चिंतन में क्या है और यहाँ का धर्म दर्शन क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है, हमारी दर्शन का ये जानने आते हैं, न कि केवल घूमने आते हैं। तो केवल पर्यटन सिटी नहीं है, और ख़ास तौर से आप जो वाराणसी की बात कर रहे हैं, तो वाराणसी के जो विधानसभा इतने हैं, चाहे उत्तरी दक्षिणी कैंट या और जो विधानसभा हैं अगल बगल के, ये शहर में विद्वानों का नगर है, यहाँ का हर आदमी पढ़ा लिखा प्रबुद्ध है, और इस नगर में संपूर्णानंद जैसे ईमानदार लोग, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, पंडित कमलापति पाठी जैसे लोग, रघुनाथ सिंह जैसे लोग सांसद रहे हैं, MLA रहे हैं, राजनारायण जी की भी धरती रही है, तो इस धरती पे हमेशा अच्छे प्रबुद्ध लोग चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, यहाँ कभी भी माफिया, गुंडे, बदमाश या अपराधी छवि के लोग चुनाव नहीं जीते हैं। सर, नरेंद्र मोदी जब बनारस आए थे साल 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के खिलाफ कैंपेनिंग के दौरान कहा था कि कांग्रेस में बड़ा ही भ्रष्टाचार है, अच्छे दिन लाएंगे तमाम, तो उस पर वो फिर जीते। इस बार वो बोल रहे हैं कि साल 2017 में फ़र्क साफ है, हमारी सरकार में ये कार्य हुए, सपा के दौरान ये कार्य नहीं हुए, या
कांग्रेस पे भी आरोप लगाते हैं कि एक परिवार की पार्टी है, तो इन सब मुद्दों पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी, वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के इतिहास देखिए 1885 से लेकर अब तक जितने कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं उसमें ज़्यादातर तमाम बाहरी लोग हुए हैं। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी और उनके परिवार के सोनिया जी और राहुल जी यही लोग हुए। लेकिन भाजपा में केवल और केवल अगर देखा जाए तो केवल नागपुर जिसको चाहता वही बनते हैं। और वंशवाद की जहाँ तक बात है, आज भाजपा के सभी बड़े नेता, चाहे कल्याण सिंह हों, चाहे राजनाथ जी हों, चाहे अन्य जितने लोग नेता हैं, सबके लड़के लड़की तीसरी पीढ़ियाँ सबके सब राजनीति में हैं। तो वंशवाद का तो मुद्दा बेकार हो गया है, कोई वंशवाद जैसी बात तो अब नहीं है। और जहाँ तक विकास की बात है तो विकास, मैंने जैसे कहा कि विकास केवल कुछ सड़कें चमका देने से, कुछ बना देने से विकास नहीं होता है। बनारसी के युवाओं को रोज़गार मिला क्या? यहाँ के बुनकरों को रोज़गार मिला क्या? यहाँ के जो साड़ी उद्योग उसका डेवलपमेंट हुआ क्या? या कारपेट इंडस्ट्री का क्या दशा है सब? और कोरोना पीरियड में जिस तरह से दुर्दशा हुई अस्पतालों की, चिकित्सा और स्वास्थ्य जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं विकास के, पूरी दुनिया ने देखा है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य में अगर फेलोर हो गया जो देश, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे हैं। और कोरोना में भी वही हुआ, तमाम डाटा छुपाया गया, गंगा नदी में तमाम तैरती हुई लाशें दिखाई पड़ी, बनारस के बाहर आप जाइए चंदौली में या यहाँ से लेकर बलिया तक, और प्रयाग में तमाम दफन किया गया, करोड़ों लोग मरे हैं। लाखों का संख्या सरकार दे रही है लेकिन ये करोड़ों में है। और कहती है कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, लेकिन कैसे मरे लोग? चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई, हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं हो पाया, और कोरोना की दुर्दशा आपने देखी कैसे हुई। टीकाकरण नहीं हो पाया, टीका जो आया हमारे यहाँ भारत में जो बना भी उसको विदेशों में पहले भेज दिया। पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि अपने लोगों को सुरक्षित करें, अभी टीकाकरण अब। और ये तो अपने से अब नियंत्रित हुआ है, इसलिए नियंत्रित हुआ है क्योंकि जब 85% जनता को कोरोना हो गया तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई, बहुत लोगों को टीका लगा है, इसकी वजह से कंट्रोल हुआ। लेकिन सरकार ने कोई, मैं समझता हूँ, जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी ईमानदारी से, सरकार ने भूमिका अदा नहीं की। रोजगार के बिंदु में भी फेलोर रही, स्वास्थ्य में भी, चिकित्सा में भी, और शिक्षा की स्थिति देख रही हैं। बार बार विज्ञापन निकल रहे हैं और विज्ञापन रद्द हो जा रहे हैं, पर्चा आउट हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, पर्ची आउट हो जा रहे हैं, रोकियाँ मिल नहीं रही लोगों को। ठीक है, सपा बसपा की सरकारों ने भी भ्रष्टाचार किया, मैं मानता हूँ, लेकिन केवल कांग्रेस को दोष देना कि 70 साल में क्या किया, 70 साल में देश की बुनियाद रखने का काम कांग्रेस ने किया। भाखड़ा नंगल बांध से लेकर हीराकुंड डैम से लेकर जितने IITs और एम्स और जितने संस्थान बने तो सब कांग्रेस की ही देन है। इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसको बेचने का काम जरूर माननीय मोदी जी ने किया। अगर यही अच्छे दिन है कि सब कुछ बेच दीजिए अडानी अंबानी और बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, या गुजरात के बड़े व्यापारी बनियों के हाथ बेच देना ही अगर विकास है, तो ऐसे विकास को मैं प्रणाम करता हूँ। सर, एक बीजेपी में ये खासियत है कि वो चुनाव के दौरान विकास में ज़्यादा फोकस नहीं करती, वो हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ती है। जैसा अखिलेश यादव बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व और धर्म का चश्मा ओढ़ लेती है चुनाव के दौरान और हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इस पे आपका क्या है मतलब है कि कांग्रेस को बार बार कहते हैं कि ये हिंदुत्व विरोधी हैं या हिंदुत्व की वो बात करते हैं बीजेपी के लोग, तो इस पे आपका क्या मानना है, चुनाव कैसे रहेगा इस बार? देखिए, भाजपा के अधिकांश नेता, जो बड़े बड़े नेता, उनसे अगर हिंदू का सही अर्थ पूछिए तो वो भी नहीं बता पाएंगे। हिंदुत्व क्या ये भी नहीं जानते हैं। हिंदू कोई जाति नहीं है, सिंधु से हिंदू बना है, फारसी शब्द में सिंधु से सौ से ह बन जाता तो हिंदू बना है। हमारी परंपरा सनातन है, हमारी संस्कृति सनातन, हमारी सनातन संस्कृति है, हिंदू कोई अलग से संस्कृति नहीं है। और ये सनातन परंपरा जो हमारी वही चली आ रही है, ये धर्म का अफीम जो कहते हैं कि अफीम के नशा की तरह आम जनता जो कम पढ़ी लिखी है, शिक्षित कम है, उसको बेकूफ़ बनाने काम का धर्म के नाम पे करते हैं, और केवल धर्म के नाम पर ये वोट लेने के लिए उसको करते हैं। और सपा, इनकी सपा और भाजपा में कोई बहुत अंतर नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि भाजपा की बी टीम है सपा, और सपा के लोग निकल के भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा के लोग सपा में जा रहे हैं, एक बार उधर सत्ता में चले जा रहे हैं फिर इधर सत्ता बना दे रहे हैं। तो सपा और बसपा, सपा और भाजपा दोनों आपस में मिले हुए हैं, हैं, और उनको डर है कि हमारे IT की छापा न पड़ जाए, मोदी जी हमें जेल न भिजवा दें, इस डर के मारे बहुत से लोग नहीं बोलते थे। लेकिन एकमात्र राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, सरकार के खिलाफ सभी नीतियों की आलोचना की, महिलाओं पर जो शोषण अत्याचार दोहन हो रहा था उसके खिलाफ बोला, और प्रियंका गांधी ने एक अच्छा कदम उठाया कि जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था उनके परिजनों को, उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया है, जिनके साथ बात सुनी नहीं जा रही थी उनको मौका दिया है, चाहे उन्नाव हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे अन्य जगहों पर, ये उनकी
प्रियंका जी का अच्छा कदम है कि 40% महिलाओं को टिकट दिया है। मैं समझता हूँ कि बनारस में भी अच्छे लोगों को टिकट देना चाहिए, विद्वान लोगों, पढ़े लिखे लोगों को, और जो भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझते हैं ऐसे लोगों को, अच्छी छवि के लोगों को जब टिकट दिया जाएगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति बनारस में अच्छी होगी। और जनता बदलाव चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से ये जुमले वाली सरकार जो है, जुमला बोलने वाली सरकार का पतन होगा। सर, चूंकि आप वरिष्ठ कांग्रेस के, कांग्रेस से जुड़ाव भी रहे हैं, कांग्रेस नेता के रूप में आप शुमार रहे हैं और प्रोफेसर तो रहे ही हैं, आप शिक्षाविद तो वरिष्ठ रहे ही हैं, तो हम इस बार जानना चाहेंगे सर, क्या आप भी विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी आपको आदेश करती है तो क्या आप तैयार रहेंगे? देखिए, मैंने 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी टिकट के लिए अप्लाई किया था, मेरा नाम दिल्ली तक गया भी था और बाद में प्रियंका गांधी का नाम भी लोगों ने जुड़वाया, बाद में किसी वजह से अजय राय जी टिकट लेकर आए, हम लोगों ने समर्थन किया। पुनः मेरे अपने समर्थकों ने और लोगों ने कहा, उनके कहने पर मैंने कैंट विधानसभा से जो इसका 390 नंबर है उससे अपना टिकट के लिए अप्लाई किया है, मेरा नाम भी गया है, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो अवश्य मैं चुनाव लड़ूंगा। हम लोग पूरी तैयारी से हैं, स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं और हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार। तो सर, कैंट विधानसभा से आपने आवेदन किया हुआ है इस बार टिकट के लिए? हाँ, कैंट विधानसभा से मैंने टिकट के लिए आवेदन किया है और कैंट विधानसभा में ज़्यादातर प्रबुद्ध लोग हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद के अधिकांश अध्यापक, शिक्षक, छात्र इसी क्षेत्र में रहते हैं कैंट विधानसभा में। और ये भदैनी का जो एरिया है या बनारस का वेलूपुर का, ये सब पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों का एरिया है और इस एरिया में हम लोगों को शुरू से जान पहचान है, संपर्क है, और मैं समझता हूँ अगर कैंट से मुझे टिकट दे देगा तो निश्चित रूप से मैं अच्छी लड़ाई लड़ सकूँगा और भाजपा प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। क्या उस वहाँ पर आप अपनी लड़ाई को आसान मानते हैं या फिर क्या? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आप कह रहे हैं, एक ही परिवार को लगातार लड़ते आए हैं, तो कांग्रेस का भी स्थिति यही था कि एक ही व्यक्ति पिछले 5-6 चुनाव से लड़ रहा था चुनाव। इस बार अनिल श्रीवास्तव की तरफ इशारा कर, अनिल श्रीवास्तव, मुझे नाम नहीं लेना है, लेकिन वही लड़ रहे थे चुनाव, ये वो बता सकते हैं कि क्या स्थिति थी। लेकिन इस बार संभवतः उन्होंने अप्लाई नहीं किया टिकट के लिए, जो 12 लोग अप्लाई किए हैं उसमें तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, 6 लोग भी हैं, तो अगर सही कैंडिडेट का चयन करके पार्टी देगी तो मैं निश्चित ऐसा मानता हूँ कि बदलाव होगा। और 7 बार 8 बार उदल जी लड़ा, चुनाव जीते वो भी हारे, और भी जो लोग चुनाव लड़े वो भी हारे, तो चुनाव ऐसा नहीं है कि जो 4 बार 5 बार चुनाव जीता है वो हारता नहीं है, एक क्रम हारने का समय आता है, तो हारते भी हैं, तो निश्चित रूप से जनता बदलाव की ओर देख रही है और बनारस में भी बदलाव होगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विभागाध्यक्ष पत्रकारिता विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय जी, जिन्होंने इस बार दावा किया कि वो कैंट विधानसभा से उन्होंने आवेदन किया है कांग्रेस पार्टी में विधानसभा प्रत्याशी के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे फिर आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।